दोस्तों Xiaomi जो कि मार्केट में हर जगह अपनी एक अलग हाइप क्रिएट करके रखता है हर स्मार्टफोन की, और आज इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है, तो उसी ने अपने जो Redmi सीरीज चलती थी Redmi को अपना जो दोस्तों सब ब्रांड बना लिया है। और दोस्तों Redmi सीरीज में अब उसका फर्स्ट यानी कि सब ब्रांड में Redmi by Xiaomi में उसका आज फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ Redmi Note 7 चाइना के अंदर। और भाई इतनी कमाल की स्पेसिफिकेशन है, तो इसी फ़ोन के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि कैसा है फोन और ये इंडिया में कब तक आ सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम किंग वंस अगेन एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोफॉर्मेशन। तो भैया जो फ़ोन Redmi ने लॉन्च किया है यानी कि अब तो Redmi ही बोलेंगे बिकॉज सब ब्रांड बन गया भैया Xiaomi का, तो Redmi by Xiaomi अब आपको उसके पीछे लिखा हुआ आएगा। तो Redmi ने जो अपना फर्स्ट फोन अभी लॉन्च किया वो है Redmi का Note 7। हाँ, Note सीरीज़ का मतलब, अभी जस्ट Note 6 Pro आया था, अब Note 7 लॉन्च कर दिया है। और भाई इतना कमाल का फ़ोन है, यहाँ पर आपको दोस्तों जो देखने के लिए मिलती है 6.3 inches की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है यू शेप वाली, और उसके साथ नीचे थोड़ी सी चिन भी मिलती है, बट ठीक है, एडजस्टेबल है। प्राइस के हिसाब से आगे बताऊँगा आपको प्राइस क्या है। और यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है फुल HD प्लस का डिस्प्ले, उसके साथ में दोस्तों आपको 2.5D वाला ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की, तो ये भी काफ़ी किलर बात है। और दोस्तों अब अगर मैं आपको आगे इसकी बताऊँ कैमरे की, तो जिसकी भैया हाइप मची हुई थी इस फ़ोन के बारे में वो चीज़ आ गई है। अब भैया यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और डुअल रियर कैमरास आपको दिए गए 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसका एपर्चर है f1.8 का, और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो आपको सेंसर मिलता है वो है सोनी का IMX586 वाला, तो डेफिनेटली फोटोज़ काफ़ी अच्छी आने वाली है। और इसमें आपको AI का इम्प्लीमेंटेशन भी मिलता है, और आपको बहुत सारे AI से डिटेक्शन मोड्स मिलते हैं। उसके साथ अगर मैं आपसे बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो वहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर भी आपको बहुत सारे AI से डिटेक्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बात करूँ इस फ़ोन के लुक और डिज़ाइन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है। और Redmi और इसमें आपको Xiaomi की सीरीज़ में पहला, मतलब Xiaomi का पहला फ़ोन है जिसमें आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है। और ये बार बार उस चीज़ का दिखावा भी कर रहे थे कि फ़ोन को ऐसा नीचे गिरा देते फिर भी फ़ोन टूटता नहीं है, और पीछे का ग्लास भी इनका काफ़ी प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको पीछे ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर नीचे आपको Redmi by Xiaomi लिखा हुआ मिलता है, और ग्रेडियंट कलर्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। अब मैं आपसे बात करूँ भैया फ़ोन की जान प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 660। अब ये मैं वो वाला स्नैपड्रैगन 660 नहीं मिल रहा बोल रहा जो आपको Asus Zenfone Max Pro M2 या फिर Realme 2 Pro में देखने के लिए मिलता है। ये ओरिजिनल क्लॉक स्पीड पर आया है 2.2 GHz की इस क्लॉक स्पीड पे ऊपर, तो ये ओरिजिनल वाला स्नैपड्रैगन 660 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी भी आपको यार Xiaomi ने नोट 5 प्रो के बाद में तो अपनी बैटरी में कमाल कर दिया है, मतलब सब में उतनी मतलब बड़ी बैटरी दिए जा रहा है। जैसे कि इसमें भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी नहीं, उसके साथ यहाँ पर आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी। और ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमको बॉक्स के अंदर 18 वॉट का चार्जर इंक्लूड किया जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जी हाँ। और अब अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँ तो आप शॉक हो जाओगे, इसकी प्राइस यहाँ पर Xiaomi ने रखी है 10,000 रुपये। मतलब Xiaomi जिस चीज़ के लिए जाना जाता था ऑनेस्ट प्राइसिंग, और उसके लिए यहाँ पर आज फिर से जाना जाएगा, बिकॉज यार 10,000 रुपये में हमको स्नैपड्रैगन 660 दिया गया है इतनी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। होप करते हैं अभी इंडिया में पता नहीं कब तक आएगा। और अभी जैसे कि हमको पता है बीच में Xiaomi बिल्कुल चुप सा हो गया था, Redmi Note 6 Pro को निकाला, Mi A2 को निकाला, वो फ़ोन्स इतने चले नहीं बिकॉज Xiaomi ने इतनी अच्छी जो है वापस स्पेसिफिकेशंस नहीं दी थी प्राइस के हिसाब से, और जो कंपटीशन था उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर Xiaomi ने 660 दे दिया भैया 10,000 रुपये में, और मैं बोलता हूँ अगर यार ये इंडिया में आता है ना तो डेफिनेटली कमाल कर देगा, Realme Asus जैसी कंपनी तो कुछ कह नहीं सकते यार। तो अभी देखते हैं Xiaomi इस फ़ोन को इंडिया में कब तक लाता है, जल्द ही लाएगा बिकॉज अभी Xiaomi को पता है Redmi Note 6 Pro उनका इतना चला नहीं और मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो लगता है जल्द ही ये फ़ोन इंडिया में आएगा, और जैसे ही आएगा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दो इसका बड़ा सा लाइक, और अभी आपको वीडियोज़ लेट मिलेगी बिकॉज मेरी एग्जाम्स चल रही है तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दो इसको बड़ा सा लाइक, अगर आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो शेयर वीडियो को नीचे, और आपको कर दो कमेंट, आपको जो भी करना हो मेरे बारे में करना हो कुछ भी कमेंट कर दो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वैसे यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बाय।